कुछ नहीं किया हमारे वहाँ इधर उधर मालता काम आता है खोला काम आता है भगजी बल्ला में नहीं आता है हाँ। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे हम कोई वोटिंग नहीं करेंगे क्या हाँ। सोच रहे हैं कुछ नहीं है मेरे पास पिछले साल से आए यहाँ नहीं नहीं कभी नहीं आए हो कभी इस बार बदलाव होना चाहिए होना चाहिए नहीं हुआ है हमारा विकास कुछ नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है काम हम पानी की परेशानी है स्कूल की परेशानी है शराब के लोड़े मोटे और अ तरह के हमारे बच्चों को छेड़छाड़ करते हैं हमको यहाँ जरूर स्कूल इंटर तक स्कूल न्यूज थर्टी वन उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड कितना हुआ गाँव का विकास क्या सरकार की योजनाएं पहुंची गाँव तक इन सब खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं माल्टा के एक तो में और यहाँ पर हमारे साथ ग्रामीण महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि कितना विकास इस गांव का हुआ है मैडम नमस्कार कितना विकास इस गांव का हुआ है आप कुछ नहीं हुआ है हमारा गांव का विकास न रास्ता है न पानी है न स्कूल है कुछ भी नहीं है इधर अच्छा हाँ रास्ते क्यों नहीं बने आज तक क्या वजह आते ही नहीं है रास्ते आते हैं तो हमारे गाँव में नहीं बनते हैं इधर उधर बनाते हैं इधर नहीं बनाते हैं जब चुनाव का समय आता है लोग वादे करते हैं तो कितना विकास फिर है? कोई नहीं पूछता है अच्छा। कोई आता ही नहीं है इधर अच्छा। इतना नजदीक का गांव है फिर भी आप लोगों का विकास नहीं नहीं हुआ है हमारा विकास कुछ नहीं हुआ है इधर अच्छा आपकी उम्र कितनी हो गई कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं हमारी उम्र साठ साल होगी हमको यहाँ रहने में तीस साल होगी सबसे आप यहाँ पे रह रही है कितना काम हुआ कुछ नहीं हुआ है काम हम पानी की परेशानी है स्कूल की परेशानी है और नहर की परेशानी है हम किसे कहते हैं कोई हमारे सुनने नहीं थे रास्ते की परेशानी है जो जनप्रतिनिधि हैं विधायक हैं वो कभी मिलने आए नहीं 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 आये कोई नहीं कोई नहीं आई अच्छा हाँ सुनने भी नहीं आए कि आप लोग कैसे नहीं, है? नहीं, हाल चाल क्या है कुछ नहीं खाली अच्छा। ये ऐसे ही वोट देने के ऊपर आते हैं और हमसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि वोट दो हम देते हैं ऐसे बनाएंगे हमारी कुछ नहीं सुनी अच्छा इस बार वोट दोगे तो क्या उम्मीद है किन लोगों को दोगे हम जब जो हमारा बनाएगा उसी को देंगे अच्छा जो आपका विकास हाँ कर... जो हमारा विकास हो जाएगा जो हमारा स्कूल बनाएगा जो हम नहर बनाएगी उसी को हम विकास करेंगे आप क्या कहती हैं बच्चों के लिए कितना विकास यहाँ पर हुआ है स्कूल को लेकर आप परेशानी बता रही हैं स्कूल की क्या परेशानी है हमारे स्कूल स्कूल की बहुत परेशानी है हमारे बच्चे बड़े बड़े लड़कियाँ बागेश्वर जाते हैं रास्ते में शराब पी के लोडे मोडे और अतर खा के हमारे बच्चों को छेड़छाड़ करते हैं हाँ और हमको बहुत परेशानी है स्कूल कितना दूर है यहाँ से स्कूल यहाँ से बागेश्वर जाने में दस किलोमीटर की दूरी है और हमारे यहाँ उच्चीकरण नहीं हुआ है पंद्रह साल हो गए वोट देते समय वोट मांगते समय आते हैं फिर इधर को कोई नहीं देखता है तो आते ही नहीं। फिर आते ही नहीं है हैं जिस समय वोट मांगते हैं उस समय आते हैं बाकी कोई फिर देखता ही नहीं रास्ते वैसी है रास्ते वैसे है स्कूल वैसी है मंदिरों का रास्ता कहीं नहीं है मंदिर सब ध्वस्त बड़े हैं आप मौके पर एक बार यहाँ आके हमारे गांव को देख के जाइए धन्यवाद हमारा आप आप क्या कहेंगे कितना विकास आपके गांव गांव का हुआ हमारे में कुछ भी विकास नहीं है हमारे गांव में सबसे पहले हमको उच्चकरण चाहिए स्कूल अम... का यहाँ आठ तक है हमारे बच्चे बड़े आई बड़े लड़किया हैं हाई स्कूल इंटर बढ़ने चाहिए हमारे बच्चों के लिए यहाँ से पैदल जाते हैं बागेश्वर और हमारे पास किराए देने के लिए पैसे नहीं है ठीक है और हम किराए देते हैं तो वह फीस कहाँ से भरते हैं हमारा नबालिग बच्चे हैं हमको यहाँ जरूर हाई स्कूल इंटर तक स्कूल चाहिए आप क्या कहेंगी कितना विकास आपके गांव का हुआ है क्या विकास गार्डन के भाई मरे सब है स्कूल ऐसा के के विकास नहीं भाई जब नेता लोग ना अरे सब चीज कर बाद में के ने फिर नहीं आता कोई नहीं आते नहीं आप क्या कहेंगे स्कूल के बच्चे दूर दराज जाते हैं आप लोग जब खेतों में जाते हैं तो रस्तों का यहाँ पर आप बता रही थी क्या हाल रस्तों का यहाँ बिल्कुल रास्ता अच्छा नहीं है हमारा पहले हमको रास्ता भी चाहिए और नहर भी चाहिए नहर भी नहीं है हमारा घर था हमारा वहाँ खड़िया माइन लगी तो वहाँ सब टूट तो टार के फेंक दिया है और हमको सब कुछ की परेशानी है पानी भी नहीं है हमारे वहाँ और नहर भी नहीं है और खेत में पानी डालते हैं तो हम कहाँ से डालते हैं जब नहर नहीं होगा तो पानी कैसे आएगा ऊपर को और हमको नहर भी चाहिए रास्ता भी चाहिए पानी भी चाहिए स्कूल भी चाहिए अच्छा जब विधानसभा चुनाव अभी नजदीक है चुनाव जब होते हैं तो गांव में जनप्रतिनिधि आते हैं वो कहते हैं कि हम सब काम आपके लिए करेंगे कितना काम किया है? काम कुछ नहीं किया हमारे वहाँ इधर उधर मालता काम आता है डेढ़ खोला काम आता है बघजी बल्ला में नहीं आता है काम नहीं, आता है। नहीं तो हाँ तो जो घर का घर खर्च है वो कैसे चलता है कैसे चलाते हैं खेत में सब्जी बोते हैं तो बंदर खा के जाते हैं खेत में गेहूं बोते हैं तो जंगली जानवर खा के जाते हैं अब हम क्या क्या करना है हम लोग उन्हें इसका भी तो करना चाहिए कुछ सुनने में था कि यहाँ जो सब्जी उत्पादन है बहुत होता था पहले जो अब क्यों नहीं होता नहीं होता है ये बंदर खा के जाते हैं और जंगली जानवर सब उखाड़ के जाते हैं कहाँ से होगा जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको कितने नंबर देते हैं कितना नंबर उनको देता है क्या नंबर देंगे उनको कुछ भी विकास नहीं हो रहा है सर हमारे नंबर हम कुछ उनको वोट नहीं देंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे हम कोई वोटिंग नहीं मांग करेंगे क्या है हमारी मांग है पहले समीक्षा हमारी ये है नहर को नहर को सही बनाएं हमारा आठ दस लाख का सिंचाई विभाग का नहर तोड़ ताड़ के फेंक दिया किसने तोड़ा? ये माइन वालों ने तोड़ रखा है वो अब वादा करके गए उस समय की हम माइन माइन हमारी चलेगी तो हम नहर ठीक करके जाएंगे कुछ भी नहीं किया चले गए हमारी जो जनप्रतिनिधि है वो कितना आपसे मिलना है कुछ भी नहीं आए बोर्ड के समय आते हैं हाथ पाँव जोड़ के जाते हैं दीदी बोर्ड देना हमको कुछ नहीं विकास तो कुछ नहीं करते हैं पीपल अटके भी नहीं देखते हैं चाहे प्रधान हो क्षेत्र पंचायत हो कोई विकास हो खंड अधिकारी हो कोई कुछ नहीं आता है आप का क्या कहना है महिलाओं के लिए तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिला है क्या योजना दे रखी है कुछ नहीं दे रखा है क्या दे रखा है बच्चों का स्कूल छोटा छोटा बच्चा है यहाँ से कहाँ जाए कैसे जा पाएंगे स्कूल के लिए चाहिए हमें क्या है न घर है न लाइटिंग है न कुछ है न कुछ है दूसरे के घर में जा रहे है क्या दे रहे हैं शौचालय भी नहीं आपके पास नहीं है क्या शौचालय है कुछ नहीं है मेरे पास अच्छा सरकार कह रही थी कि हमने घर घर शौचालय बनाया तो आपको क्यों नहीं मिला कहाँ दे रखा है अभी देंगे देंगे कब दे आप अप्लीकेशन लगाई थी आपने हाँ लगाई थी तो क्यों नहीं मिला अभी तक क्या बता प्रधान इतने प्रधान चले गए कब देना है ना क्यों दू वोट इस बार विधानसभा चुनाव है विधायक नए बनेंगे इस बार और पंद्रह साल से यहाँ पर विधायक है उनने कुछ नहीं, किया कुछ नहीं दे रखा है मेरे को कुछ नहीं है मेरे पास बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल जाएंगे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे कोई मार देंगे रास्ते में न मेरे पास कुछ है न कुछ है कुछ नहीं है मेरे पास मैं किसी को वोट भी नहीं दे रही बस आप क्या कहेंगे कितना विकास आपके गाँव का हुआ है हमारे गाँव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है ये वोट देने के लिए आते हैं पहले वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वो ऐसा करेंगे तो लोगों के गांव में कितनी व्यवस्था हो गई है कितनी समस्याएं हल हो गई है यहाँ ना तो बच्चों की समस्या पूरी हुई है ना तो गांव वालों की समस्या पूरी हुई है और काम नौकरी तो किसी की है नहीं सब बेरोजगार है यहाँ चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि आते हैं इतने वादे आप लोगों से करते हैं उन वादों में से कुछ पूरा हुआ कुछ पूरा नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ सब झूठे वादे करके जाते हैं अपने वादे को पूरा नहीं करते हैं कोई नहीं करते है कितना निराश है हम तो पूरे गांव वाले निराश हैं हमें मैं तो सब ने निराश कर रखा है यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है उसके बाद भी बीजेपी की सरकार रही है उसके बाद यहाँ का विकास ना होना इस पर आप क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं हम यही कहेंगे जब तक हमारा उच्चकरण नहीं होगा जब तक हमारी मांग है यहाँ पूरी नहीं होगी तब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे आप क्या कहेंगी इतनी ज्यादा उम्र आपकी है बहुत उम्र है घाट में, में, में हाथ खुट जो बहुत घुसखोरी फिर हम उनको के मिल ना, बाट न घाट न पानी न घुसखोरी में घुसखोरी दी जा आपको भी दिया ना आपको दिया हम तो सुनते हैं इधर उधर से हाँ सुनते और फिर आते ही नहीं है फिर आते ही नहीं सब प्रधान और क्षेत्र पंचायत और ये जो जिला सब बनते हैं सब एक साथ है अच्छा इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हाँ। विधायक का चुनाव इस बार होगा हाँ। तो जो पि पिछले पंद्रह साल से विधायक आए यहाँ नहीं नहीं कभी नहीं आए हो कभी नहीं ना, ना, ना देखे ही नहीं, ना, देखे, ही नहीं देखे नहीं हमने तो देखे नहीं इधर अच्छा नाम पता है नाम चुनाव तो आते हैं हाथ जोड़ते हैं पाँच जोड़ते हैं हमको वोट देना वोट देना अभी तो यहाँ से आने के लिए नहीं आते विधायक जी का नाम पता है आपको आ, पता ही नहीं, नहीं पता है नहीं है पता ही अच्छा पता ही नहीं और विकास कितना हुआ आपके गांव का जो, जो मूलभूत सुविधाएं मिली बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं आया यहाँ बीस पच्चीस साल हो गए मेरे को इस गाँव में बोलते हैं ये करो वो करो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा फिर लेकिन कोई कुछ लाता है आप गए शौचालय की मांग के लिए प्रधान बोलते हैं ऐसे करना है कि ये करना वो करना हम ये देंगे वो देंगे अच्छा। और किसी ने आज तक गिलाया भी नहीं है और किसी ने हम मेरे को घर पे बोला भी नहीं है अच्छा एप्लीकेशन लगाई आपने हाँ जी लगाई एक बार अच्छा। फिर बोल रहे थे कि हाँ आप करो ये काम करो हो जाएगा अच्छा। जब बोलेंगी नहीं आगे आएंगी नहीं तो मैं कैसे करूँगी अच्छा, आज के इस नए जमाने में डिजिटल युद्ध में आज तक आपके पास शौचालय नहीं है क्या कहेंगे इस पर फिर यही तो मैं बोल रही हूँ मैं इसी के लिए तो मैं परेशान हूँ अब मैं वोट देने के लिए बोलते हैं कि हाँ यहाँ आओ ये आओ ये करो वो करो फिर भी हम करते हैं आज तक कर चुके हैं लेकिन अब नहीं करूँगी अब क्योंकि मेरे को अब परेशानी हो रही है बच्चे हैं छोटे छोटे कहाँ जाएंगे दूसरों के घर पर जाते हैं दूसरों के सुननी भी पड़ती है सब कुछ करना पड़ता है बच्चों की प्रॉब्लम है अब बच्चों के बिना हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और हम आगे कहीं जा नहीं सकते हैं महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं चलाई गई हैं तो, तो गया क्या है? कहेंगे हम अपने घर भी संभालना है हमें बाहर भी देखना है वो भी देखना है अब हमने सोचा ये बोलते हैं कि हाँ ये दो बोर्ड दो हमें हम ये करेंगे वो करेंगे इस बार बदलाव होना चाहिए होना चाहिए जी होना चाहिए सरकार बननी चाहिए हाँ जी अगर जो हमें देगा करके तो हम उसको जरूर हम भी देखेंगे यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं तो हम कहा से को हम कुछ कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपको मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिली होती तो क्या आपका कहना होता हाँ जी हम भी करते अच्छा। हाँ आपका क्या कहना है कितना विकास आपके गांव का हुआ है के ना के ना नहीं। अच्छा। जो पानी है पानी आता है घर में आता है पानी भी नहीं आता है नहीं आता है अच्छा रास्ता कैसे है रात भी है गंदा ही है और मेरे को मेरा लेटरिन बाथरूम कुछ मेरे को नहीं मिला मेरा मकान आग लगा मैंने उसको कागज लगाया थे रहा उस उस कुछ पैसा ऐसा नहीं आया आग कैसे लगी आपके मकान आग, आग, आग? आग? बच्चे खाने पकाने पकाने ठेरे वैसे लग गई करके गए मुआवजा नहीं मिला नहीं मिला और लैटरिन बाथरूम लगाए उसका कुछ नहीं मिला मैंने अपना शौचालय नहीं कुछ नहीं है इस वक्त हमने बात की मालता गांव की महिलाओं से और तमाम जो परेशानियां थी महिलाओं की सी और कुछ महिलाएं तो यहां पर ऐसी हैं जिनके पास आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विकास गांव का हुआ है शहरों में आप भले ही विकास का दिखावा कर सकते हैं लेकिन गाँव की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं और राजनीति से जुड़े मुद्दों के लिए और ग्रामीणों को परेशानियों तक पहुँचने के लिए लगातार आप देखते रहिए न्यूज़ थर्टी उत्तराखंड नमस्कार